जब कोई चाइल्ड बर्थ होती है तो लोग अक्सर पूछते हैं क्या ये जन्म मूल में तो नहीं हुआ, तो ये मूल का क्या कंसेप्ट है और इसको अगर किसी का जन्म मूल में है तो क्या प्रावधान बताया गया है? पहले तो मूल की बात कर लेते हैं। मूल में 6 नक्षत्र आते हैं, 3 केतु के नक्षत्र होते हैं जिनको रूल करता है केतु, और 3 होते हैं बुध के जिनको बुध रूल करता है। अश्विनी मघा मूल, ये 3 नक्षत्र केतु के हैं। क्या नाम है, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, ये 3 बुध के हैं। तो इन 6 नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म हुआ है, अर्थात उस दिन चंद्रमा इन 6 नक्षत्रों में से किसी में से एक है, तो उसका जन्म मूल में हुआ है। इसी को गंडमूल भी कहा जाता है, ठीक है ना। मूल का मतलब यह है कि मूल के जो बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि यहीं से राशि और नक्षत्र का एक साथ आरंभ होता है। जो केतु के नक्षत्र हैं वहीं से राशि का भी आरंभ हो रहा है और नक्षत्र का भी आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से जहाँ पर बुध के नक्षत्र हैं, जैसे कि ज्येष्ठा है, रेवती है या अश्लेषा है, इन यहाँ पर राशि समाप्त भी हो रही है और नक्षत्र भी एक साथ समाप्त हो रहे हैं। अन्यथा जहाँ पर राशि समाप्त हो रही है वहाँ पर वही नक्षत्र चल रहा है, जहाँ पर नक्षत्र समाप्त हो रहा है वहाँ पर वही राशि चल रही है। इस तरीके का क्रम रहता है बाकी नक्षत्रों के साथ। ये इसलिए मतलब इनको अच्छा नहीं माना जाता है, या इसके पूजन की बात भी कही गई है, उसका उपचार की बात कही गई है। जैसे आप किसी गांव में 1-2 खेत हैं अगल बगल, उसमें बीच में मेड़ है जो डिवाइड करती है कि ये खेत इनका है, ये खेत इनका है, और उस मेड़ पर पेड़ लगा हुआ है आम का, तो वो आम किसके हुए या वो आम का पेड़ किसका है, तो ये क्या है, एक विचित्र अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो कि किस निर्णय नहीं कर सकते कि वो किसका है। तो ठीक ऐसे ही जब मूल में जन्म लेते हैं कोई बच्चे, तो उनके साथ ये दिक्कतें महसूस होती हैं, उनको अपने जीवन में निर्णय लेने में समस्याएं आने लगती हैं। तो इसके लिए मूल शांति का विधान कहा गया है, जिसको सामान्य शब्दों में 27 भी कहा जाता है। 27 दिन के बाद इसमें पिता के द्वारा संतान को देखने का विधान नहीं है, ठीक है ना। जब 27 दिन के बाद पुनः वह नक्षत्र पड़ेगा, उस दिन उसका पूजन होगा, और उस पूजन बहुत सारे जो कर्मकांड हैं उस कर्मकांड को करने के पश्चात फिर उस बच्चे का दर्शन कर सकता है पिता। पहले लेकिन उसकी छाया देखा गया, फिर उसके बाद अन्य उसको ऐसे अपना सामान्य तरीके से उसको खिला सकता है या उसको देख सकता है। तो इस तरीके से विधान कहे गए हैं ताकि उसके दोष, जो भी दोष है, वो विधान के द्वारा उसको कम किया जा सके और उसकी उन्नति अच्छी हो सके। हालांकि मूल नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो बहुत जुझारू भी होते हैं। ऐसा ही नहीं कि मूल नक्षत्र वाले सारे खराब भी हैं, जुझारू भी बहुत होते हैं। अपने परिस्थितियों से लड़ने की उनके अंदर बड़ी कैपेबिलिटी होती है। बाबा तुलसीदास जी मूल नक्षत्र के ही जन्म लिए थे और 75 वर्ष की आयु तक सिर्फ उन्होंने अध्ययन किया और 76वें वर्ष से उन्होंने लिखना आरम्भ किया, और जो लिखा वो आज हर घर में विद्यमान है जी, ठीक है ना। तो उनके अंदर ये भी गुण होता है कि वो उसकी तह तक, उसकी जड़ तक जाने की, मूल जैसा कहा गया, जड़, मूल को जड़ भी कहते हैं, मूल का पर्याय जड़ भी है, तो किसी भी विषय के तह तक जाने का प्रयास भी मूल नक्षत्र के लोग करते हैं। तो इसलिए उसको खराब ही ना माने। हाँ, ये है कि जन्म लेने के कारण से कुछ चीज़ें दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों का परिहार हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उसको करा लेने के बाद फिर उसका बहुत अच्छा जीवन चलता है।